Bismillahir Rahmanir Rahim Assalamu Alaikum I am Farooq Tauseef and I welcome you in the series of object oriented programming Students our today topic is friend class We have discussed earlier about friend function as well In this lecture we need as well some sort of pre knowledge as we required in Friend functions topic, and this knowledge is same as we discussed in uh, pre uh, as we discussed as a pre knowledge slide in uh, friend function. So in friend class, we will discuss as we know that a class cannot access the private members of other class.

कि हम प्राइवेट मेंबर्स को क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते उसी क्लास में एक्सेस कर सकते हैं जहाँ पे वो आ, वो आ, वो एक्सेस स्पेसिफायर का यूज़ किया और जिस क्लास में वो मौजूद हैं वहीं पे उसको एक्सेस भी कर सकते हैं ठीक है और दूसरी बात ये कि जो प्रोटेक्टेड मेंबर्स होते हैं उनको भी हम किसी इनहेरिटेड क्लास के अलावा ड्राइव क्लास के अलावा कहीं और पर यूज़ नहीं कर सकते लेकिन हमने ये भी पढ़ा था कि एक नई चीज़ आती है एक नया कॉन्सेप्ट आता है फ्रेंड फंक्शन का या फिर फ्रेंड क्लासेस का उसमें क्या होता है उसमें हम ये वाली जो हमने नॉलेज पढ़ा था इस नॉलेज को हम डिनाई कर रहे होते हैं डिनाई इस सेंस में कर रहे होते हैं कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि प्राइवेट मेंबर्स को आउटसाइड ऑफ द क्लास एक्सेस नहीं करते लेकिन यहाँ पे आके हम कहते हैं कि कर सकते हैं ठीक है लेकिन विद द हेल्प ऑफ फ्रेंड फंक्शन और फ्रेंड क्लास ठीक है तो ये फ्रेंड फंक्शन और फ्रेंड क्लास का कॉन्सेप्ट हम पहले पढ़ चुके हैं Uh, इसके बारे में हमने एक्सेस स्पेसिफायर्स में भी पढ़ा और इसके बारे में हमने फ्रेंड फंक्शन में भी पढ़ा सो टू डेज टॉपिक इज़ फ्रेंड क्लास अ फ्रेंड क्लास इज़ अ क्लास दैट कैन एक्सेस द प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड मेंबर ऑफ अ क्लास इन विच इट इज़ डिक्लेयर्ड एज फ्रेंड तो ये एक ऐसी क्लास होती है फ्रेंड क्लास बिल्कुल जैसे फ्रेंड फंक्शन मैंने आपको कहा था कि फ्रेंड फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जो कि किसी किसी एक क्लास का दोस्त बन जाता है क्लास का दोस्त बन जाता है तो क्लास का जब वो दोस्त बन जाता है तो क्लास के जो डाटा मेंबर्स प्राइवेट होते हैं तो वो दोस्ती में ये हक अदा करता है कि वो अपनी प्राइवेट एक्सेस भी उस फंक्शन को दे रहा होता है बिल्कुल इसी तरह से एक फ्रेंड क्लास एक ऐसी क्लास होती है जो कि किसी दूसरी क्लास के प्राइवेट और प्रोटेक्टेड डाटा मेंबर्स को भी एक्सेस करने की एबिलिटी रख रही होती है दिस इज़ नीडेड वैन वी वांट टू अलाउ पर्टिकुलर क्लास टू एक्सेस द प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड मेम्बर्स ऑफ क्लास तब जरूरत पड़ती है जब हमने किसी क्लास को एक्सेस दी हो किसी दूसरी क्लास को एक्सेस दी हो कि हाँ आप मेरे जो प्राइवेट डाटा मेंबर्स हैं उनको भी एक्सेस कर सक दे सकते हो तो आप अपनी प्राइवेट इंफॉर्मेशन को जो आप आपकी सीक्रेट इंफॉर्मेशन है वो किसी दूसरे को आप शेयर नहीं करते लेकिन आपका कोई एक ऐसा फ्रेंड होता है जिसको आप वो सारी इंफॉर्मेशन भी शेयर कर देते हो तो वो वाला फंक्शन जो है उसको हम फ्रेंड फंक्शन बोलते हैं उसको हम फ्रेंड क्लास बोलते हैं जो कि जिसके पास एबिलिटी होती है कि वो आपके प्रोटेक्टेड डाटा को भी और आपके प्राइवेट डाटा को भी एक्सेस करने की एबिलिटी रखता हो लेट अस सी हाउ टू मेक अ क्लास अ फ्रेंड ऑफ एन अदर किस तरह से ये आप उसका सेंटेक्स की सूरत में देखते हैं एक सेंटेक्स देख रहे हैं जिसमें एक क्लास ए है ठीक है क्लास ए एक क्लास है और दूसरी फ्रेंड क्लास बी एक और क्लास है जिसको हमने कहा है कि फ्रेंड क्लास बी इसका मतलब यह है कि बी जो है वो फ्रेंड है किसका इस क्लास का जिसमें इसे हमने डिक्लेयर किया है ठीक है बी इज़ अ फ्रेंड ऑफ ए अच्छा स्टूडेंट्स ये एक इम्पोर्टेंट मैं पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ बी इज़ फ्रेंड ऑफ़ ए मैं ये बी इज़ फ्रेंड ऑफ़ ए कह रहा हूँ इज फ्रेंड ऑफ़ बी नहीं कह रहा ये बात आपने नोट करनी है इसको हम आगे इनके रूल्स में कुछ देखेंगे ये पॉइंट का मतलब क्या है इसका क्या मकसद है कि ए बी का फ्रेंड है या बी ए का फ्रेंड है या ए बी का नहीं है तो बी ए का है मतलब ये जो भी आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन हो रही है इस कन्फ्यूज़न को हम कर दूर, दूर करेंगे ठीक है जैसे मैं कहूँ कि मेरा नाम फरूक है और दूसरे मेरे दोस्त का नाम असलम है तो फरुख असलम का फ्रेंड है और असलम फरुख का फ्रेंड है इसमें बड़ा फ़र्क है ठीक है तो ये ये यहाँ पे हम एक ही तरफ एक यूनी डायरेक्शनल बात कर रहे हैं कि फरुख असलम का फ्रेंड है ठीक है ये बात हमने नहीं कही कि असलम बी फरुख का फ्रेंड है तो ये यहाँ पे पॉइंट ये लिखा हुआ है बी इज़ फ्रेंड ऑफ़ ए ना कि हमने लिखा हुआ है ए इज़ फ्रेंड ऑफ बी तो अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रही है तो कन्फ्यूज़न आपकी दूर हो जाएगी आपने परेशान यहाँ पे नहीं होना हम यहाँ पे कीवर्ड जिस क्लास के साथ फ्रेंड का यूज़ करेंगे इट मींस कि वो फ्रेंड बनेगा ठीक है so, सो यहाँ से आगे हम डिस्कशन को प्रोसीड करते हैं अगर आपको यहाँ पे समझ नहीं आई तो परेशान नहीं होना मैं बार बार बोल रहा हूँ वरेट नहीं होना टेंशन नहीं लेनी आगे चल के हम स्लाइड्स में जब इसका प्रोग्राम करेंगे तो उस वक्त हम इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर कर लेंगे तो ये क्लास बनी अब दूसरी क्लास आ रही है क्लास पी और क्लास बी की कुछ यहाँ पे बॉडी होगी ठीक है उसमें जो भी आपने डाटा मेंबर्स लिखने हैं मैंबर फंक्शन रखने हैं और यहाँ पे भी आपकी क्लास ये है इसमें हमने एक काम तो ये किया कि बी को फ्रेंड बनाया और इसके अलावा और भी काम परफॉर्म कर सकते हैं जैसे कि आमतौर पे आप यूजली क्लासेस में करते हैं सो दिस इज़ द सिंटैक्स ऑफ राइटिंग टू क्लासेज इन विच वन इज़ फ्रेंड ऑफ अनदर क्लास ठीक है दो क्लासेस बनाई एक ए और एक बी और उसमें से एक क्लास में हमने डिक्लेयर किया जिस क्लास में हमने डिक्लेयर किया वो वाली क्लास का हमने उसे फ्रेंड बनाया फ्रेंड क्लास ए बी इज फ्रेंड ऑफ ए इट मीन्स कि जिसमें डिक्लेयर किया वो फ्रेंड है और जिसमें डिक्लेयर जो डिक्लेयर किया गया जिस क्लास का नाम लिखा है वो फ्रेंड है और जिसमें डिक्लेयर कर रहे हैं उसका फ्रेंड है ठीक है अगर मैं बार बार बोल रहा हूँ परेशान नहीं होना आपने मुझे खुद से पता फील हो रहा है कि स्टूडेंट्स आपको शायद यहाँ पे कन्फ्यूजन बनेगी अगर तो कन्फ्यूजन नहीं बन रही दे, दे, देन इट्स वेल एंड गुड अगर कन्फ्यूजन बन रही तो भी आपने इसकी परेशानी नहीं लेनी आगे चल के हम इस पॉइंट को क्लियर करेंगे क्लास बी इज़ डिक्लेयर्ड एज फ्रेंड ऑफ क्लास ए इन द अबव कोड जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि इस कोड में क्लास बी है जो बी है उसको हमने ए का फ्रेंड बनाया क्लास बी इज डिक्लेय एज फ्रेंड ऑफ क्लास ए इन द अब कोड सो नाउ ऑल द मेंबर्स फंक्शन ऑफ क्लास बी बिकेम फ्रेंड फंक्शन ऑफ क्लास ए तो इसकी वजह से क्या हुआ कि जो मेंबर फंक्शंस थे क्लास बी के वो क्लास ए के मेंबर फंक्शन के फ्रेंड बन चुके हैं फ्रेंड बनने से मराद आपको पता है कि क्या होता है कि उसके प्राइवेट और प्रोटेक्टेड डाटा मेम्बर्स को एक्सेस करने की एबिलिटी रखते हैं फ्रेंडशिप इज नॉट म्यूचुअल यहाँ पे ये बात नोट कर लें कि फ़्रेंडशिप जो हम यहाँ पे फ्रेंड क्लासेस की बात कर रहे हैं तो ये फ्रेंडशिप इज़ नॉट म्यूचुअल म्यूचुअल का मतलब ये जैसे मैंने आपको पहले बोला था कि फर्रुख और असलम अगर दो दोस्त हैं तो म्यूचुअल फ्रेंडशिप ये है कि फर्रुख असलम का दोस्त है और असलम फर्रुख का दोस्त है मेन टू से दोनों एक दूसरे के दोस्त हैं लेकिन म्यूचुअलिज्म नहीं है इसका मतलब ये है कि या तो फ़र्रुख असलम का दोस्त है असलम उसे दोस्त मानता है लेकिन फ़रूख उसे दोस्त नहीं मानता एक तरफ से कोई एक्सेप्टेंस accept, है लेकिन दूसरी तरफ से नहीं है तो यहाँ पे मिचलीज़म नहीं है इफ़ क्लास ए इज़ फ्रेंड ऑफ बी अगर एक जो क्लास है वो बी का फ्रेंड है देन बी डज नॉट बिकम अ फ्रेंड ऑफ एटोमेटिकली ऐसा हरगज़ नहीं होगा कि अगर ए बी का फ्रेंड है तो बी आटोमेटिकली ए का फ्रेंड बन जाएगा ऐसा हरगज़ नहीं है दी कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रेंड इज नॉट देर इन जावा लैंग्वेज है उसमें फ्रेंड्स का कॉन्सेप्ट नहीं होता सी प्लस प्लस में फ्रेंड्स का कॉन्सेप्ट मौजूद है अस सी अस लेट्स यूज द फ्रेंड क्लासेस टू गेट द प्राइवेट डाटा मेम्बर्स ऑफ क्लास हम क्लास बनाते हैं और उसमें प्रोग्रामिंग के थ्रू देखते हैं कि किस तरह से हम उनके डाटा मैंबर्स को प्राइवेट डाटा मेम्बर्स को एक्सेस करने की एबिलिटी रखते हैं सो so, ये प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल स्टार्ट हो चुकी है हेडरफाइल्स हमने लिखी यहाँ पे जो ज़रूरत के मुताबिक हमारी हेड्रोफल्स होती हैं और आपका जो अभी कंपाइलर है उस जो जिस पे भी आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो प्रोग्राम उसके मुताबिक आपने यहाँ पे जो भी उसके असेंशियल हैं जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको आपने लिखा उसके बाद हम देखते हैं क्लास बनाई स्केयर के नाम से सो स्टूडेंट दिस इज़ द फर्स्ट क्लास और स्केयर ठीक है फ्रेंड क्लास रिक्टेंगल अब एक नई क्लास बनेगी रेक्टेंगल वो आगे चल के कहीं क्लास बनेगी फ्रेंड क्लास रेक्टेंगल अब ये जो है ये रेक्टेंगल को रेक्टेंगल एज अ फ्रेंड क्लास रेक्टेंगल को हमने फ्रेंड क्लास बना लिया जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जिसके साथ फ्रेंड का कीवर्ड यूज़ बनेगा यूज़ होगा वो आपका बेसिकली फ्रेंड होगा ठीक है किसका जिसके अंदर हम उसको डिक्लेयर कर रहे हैं सो किस के अंदर डिक्लेयर कर रहे हैं स्केयर के अंदर डिक्लेयर कर रहे हैं उसके बाद आपकी जो भी डाटा मेंबर्स मेंबर, मेंबर फंक्शन जो भी इसके हैं वो आपने यहाँ पे लिख लिए ये आपकी जो क्लास एयर थी वो आपकी कंप्लीट हो चुकी है ये, ये जो साइड है उसको हमने प्राइवेट प्राइवेट है क्यों प्राइवेट है क्योंकि इसके साथ कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर नहीं है और अगर कोई भी एक्सेस स्पेसिफायर नहीं है सो तो बाई एक्सेस स्पेसिफायर इज प्राइवेट ये पब्लिक पार्ट में आए तो बेटा इसमें देखिएगा ज़रा पब्लिक पार्ट में हमने क्या किया एक यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाया स्केर के नाम से उसके पैरामीटर्स कुछ पास किए और उसके बाद हमने जो वैल्यू थी साइड की वैल्यू वो असाइन कर दी इस पैरामीटर को वैल्यू असाइन कर दी ये वाली पुरानी चीज़ें हैं इसमें कोई भी न्यू चीज़ नहीं है आगे चल के हम देखते हैं हम न्यू क्लास बनाते हैं कौन सी क्लास बनाएंगे अब रेक्टेंगल के नाम से बनाएंगे ठीक है जो कि फ्रेंड है अब क्लास रेक्टेंगल बनाई क्लास रेक्टेंगल में डाटा मैंबर रखा लेंथ और उसकी भी जो एक्सेस है वो प्राइवेट है उसके बाद ब्रेड को रखा उसकी भी एक्सेस प्राइवेट है अब हम नया एक फंक्शन बना रहे हैं पब्लिक है वो फंक्शन और उस फंक्शन का नाम गेट एरिया है और उसकी रिटर्न टाइप इंट है और उसके बाद हमने उसकी बॉडी में लिख दिया कि ये फंक्शन क्या परफॉर्म करेगा ये इसको लेंथ को और ब्रेड को मल्टीप्लाई करेगा जो भी वैल्यू आएंगी उनको मल्टीप्लाई करेगा और वैल्यू रिटर्न करवा देगा सो सो दिस इज़ द फार्मूला फॉर गेटिंग द एरिया एरिया का फार्मूला होता है कि लेंथ ज़रब ब्रैथ या फिर इसे आप लंबाई ज़रब चौड़ाई जब लंबाई ज़रब चौड़ाई किसी भी मुस्तिल की उनको ज़रब देते हो तो उससे आपको एरिया फाइंड हो जाता है तो जब भी हम गेट एरिया फ़ाइंड करना होगा उस वक्त हम इस गेट एरिया फंक्शन को कॉल करेंगे उसकी वजह से जो भी लेंथ होगी जो भी ब्रेड्थ होगी वो आपस में मल्टीप्लाई होंगी और आपको रिटर्न करेगा वो वैल्यू ये फंक्शन रिटर्न की सूरत में जो कि आपकी इंटीजर टाइप की होगी नेक्स्ट देखते हैं एक और हमने फंक्शन बनाया शेप के नाम से और उसकी रिटर्न टाइप वाइड है और उसमें पैरामीटर हमने यूज़ किया स्केयर को ठीक है और उसके बाद स्केयर ए ये कोई ऑब्जेक्ट है और लेंथ इज इक्वल टू ए डॉट साइड यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात बेटा स्टूडेंट्स जरा नोट करें यहाँ पे जो स्केयर हमने यूज़ किया ये वाइट शेप स्केयर इसका मतलब ये है कि ये वाला फंक्शन जो है ये वाला जो फंक्शन है ये क्या कर रहा है किसी जो आपकी जो हमने क्लास बनाई थी फ्रेंड बनाई थी उस क्लास को उस क्लास को डोनेट कर रहा है ठीक है यहाँ पे जो उसकी रिप्रेजेंटेशन है स्केयर की वो इस वजह से लिखी है कि ये जो आपका शेप है ये आपका जो मेंबर है हालांकि ये किस में मौजूद है वो इस क्लास में मौजूद है रेक्टेंगल क्लास में मौजूद है लेकिन वो एक्सेस किसको कर रहा है वो साइड वाले साइड आप जानते हैं कि ये किसका मेंबर था ये आपकी क्लास स्केयर का मेंबर था ठीक है क्योंकि अपने स्केयर स्केयर क्लास में ये बताया था कि रेक्टेंगल फ्रेंड है तो अब फ्रेंड की वजह से क्या हुआ कि इसने इस डाटा मेंबर को एक्सेस किया इस मेंबर फंक्शन ने इस क्योंकि ये भी फ्रेंड बन चुका है अब फ्रेंड बनने से मुराद ये है कि ये उसके प्राइवेट डाटा मेंबर्स को भी एक्सेस कर रहा है सारी डिस्कशन को एक बार भूल जाएं और सिर्फ और सिर्फ ये पॉइंट याद रखें जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो ये पॉइंट कि ये एक मेंबर फंक्शन है ठीक है जो कि शेप है ठीक है और उसके बाद ये जो स्केर है एक क्लास का नाम है जो कि आपकी पीछे हमने पढ़ा था कि वो पहली क्लास थी अब ये जो साइड है ये इस क्लास का डाटा मेंबर है ये इस क्लास का डाटा मेंबर है और ये जो क्लास का डाटा मेंबर है ये है भी प्राइवेट है अब इसको हम आउटसाइड ऑफ़ द क्लास नहीं यूज़ कर सकते थे अगर हमने रेक्टेंगल को फ्रेंड ना बनाया होता अब हमने रेक्टेंगल को फ्रेंड बनाया है इसकी वजह से क्या फ़ायदा हुआ कि अब हम इसको आउटसाइड ऑफ द क्लास भी एक्सेस कर सकते तो ये एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट ने इस डाटा मेंबर को आउटसाइड ऑफ द क्लास भी एक्सेस किया ठीक है अब इसकी जो भी वैल्यू यहाँ पे साइड की होगी वैल्यू पुट करेगा वो आपकी लेंथ को साइन हो जाएगी और इसी तरह से एक वैल्यू ब्रेथ को साइन हो जाएगी सो so, ये अब दूसरी क्लास भी कम्प्लीट हो चुकी है क्लास रेक्टेंगल कम्प्लीट हो चुकी है और क्लास स्केयर uh, दो क्लासेस कम्प्लीट हो चुकी हैं नेक्स्ट हम मेन फंक्शन में आते हैं मेन फंक्शन में हमने क्या किया कि स्केयर स्केयर उस क्लास का नेम है ठीक है ये स्केयर जो है वो आपका एक ऑब्जेक्ट है और उसकी ये वैल्यू आर्गूमेंट uh, की सूरत में हमने फाइव दी है कि इन दोनों में फ़र्क है जो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे एस बड़ा है और यहाँ पे छोटा है ठीक है और इसी तरह से रेक्टेंगल का आर यहाँ पे बड़ा है और आर तो इट मीन्स ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं ये दोनों एक जैसी चीज़ें नहीं हैं ये दोनों की दोनों डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं क्योंकि हम जानते हैं सी प्लस प्लस इज़ आ केसेंसटिव लैंग्वेज और केस सेंसिटिव का मतलब ये होता है कि जो आपका बड़ा ऐसा है और छोटा ऐसा दोनों को डिफरेंट मीनिंग है अब जो ये स्केयर है ये एक डिफरेंट चीज़ का नाम है और ये जो स्केयर है ये एक डिफरेंट चीज़ का नाम है रेक्टेंगल डॉट शेप स्केयर उसके पैरामीटर्स के तौर पे हमने यूज़ किया नेक्स्ट हम देखते हैं सीआउट रेक्टेंगल डॉट गेट एरिया गेट एरिया अगर आपको याद हो तो एक मेम्बर फंक्शन हमने बनाया था जो कि एरिया को कैलकुलेट कर रहा था किस तरह से आपस में मल्टीप्लाई करने से वो जो उनकी ब्रेड होती थी और उसकी जो लेंथ uh, होती थी उनको आपस में मल्टीप्लाई करके वैल्यू जनरेट कर रहा था आप देखिए स्टूडेंट्स जब ये फंक्शन कॉल होगा तो इसमें जो आपकी साइड्स हैं उनकी वैल्यूज़ आपस में आपस में वो मल्टीप्लाई होंगी जिसकी वजह से आपको आंसर इसका मिलेगा स्टूडेंट्स इसको आप ख़ुद से परफॉर्म करके देखिएगा इसको ज़रा अब आपके लिए ये मैंने आउटपुट सेक्शन जो है वो फिल नहीं किया सिर्फ आपकी वजह से पहले इसको ख़ुद से प्रिडिक्ट करें कि इसकी आउटपुट क्या बनेगी और जब आप ख़ुद से आउटपुट इसके प्रिडिक्ट कर लें उसके बाद इसको इम्प्लीमेंट करके देखें क्या आपने जो प्रिडिक्ट की थी क्या वही आउटपुट बन रही है जो कि आपने वहाँ पर यूज़ की थी ठीक है तो स्टूडेंट्स इसके एक्सप्लेनेशन पे अगर कोई पॉइंट नहीं क्लियर हुए तो वो क्लियर हो जाते हैं वी डिक्लेयर रेक्टेंगल एज अ फ्रेंड क्लास ऑफ स्केर तो जो रेक्टेंगल है वो फ्रंट क्लास बनाई नाउ ऑल द फंक्शन ऑफ रेक्टेंगल कैन डायरेक्ट एक्सेस एनी प्राइवेट मेम्बर्स ऑफ स्केयर तो इसका मतलब ये हुआ कि रेक्टेंगल अब प्राइवेट मेंबर्स को भी एक्सेस करने की एबिलिटी रखती है इन द मेन फंक्शन द फर्स्ट स्टेटमेंट क्रिएटेड एन ऑब्जेक्ट स्केयर एक ऑब्जेक्ट बनाया स्केयर के नाम से ये छोटा ऐसा जैसे मैंने आपको पहले बताया था ऑफ द क्लास स्केयर दस कॉलिंग इट्स कंस्ट्रक्टर एंड असाइनिंग फाइव टू इट्स डेटा मेम्बर साइड और उसको हमने वैल्यू कितनी असाइन कर दी उसको हमने फाइव वैल्यू असाइन कर दी द सेकंड स्टेटमेंट इन द मेन फंक्शन क्रिएटेड एन ऑब्जेक्ट रेक्टेंगल जैसे एक और बताया था कि रेक्टेंगल क्लास का एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट किया सेकंड नंबर पे उसमें क्या हुआ कि हमने एक रेक्टेंगल क्लास को यूज़ किया रेक्टेंगल क्लास साफ की थी और रेक्टेंगल आर ये छोटे आर वाला ये उस ऑब्जेक्ट का नेम था इन द थर्ड स्टेटमेंट रेक्टेंगल कार्ड द फंक्शन शेप ठीक है और रेक्टेंगल ने क्या किया थर्ड uh, स्टेटमेंट में उसने फंक्शन को कॉल किया ठीक है शेप वाला जो फंक्शन था उसको कॉल किया विद द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास स्केयर पासड एज़ इट्स आर्गोमेंट और स्केयर को ये जो स्केयर थी क्लास उसको हमने आर्गोमेंट के तौर पर उसमें पास किया था इन द शेप इन द शेप जो आपकी शेप थी मैंबर फंक्शन शेप था फंक्शन द वैल्यू ऑफ साइड साइड की वैल्यू चूँकि प्राइवेट डाटा मेम्बर्स थी वाज असाइन टू लेंथ एंड ब्रैथ वही जो साइड की वैल्यू थी मेरे ख्याल से फाइव थी वही वैल्यू लेंथ और ब्रैथ दोनों को हमने असाइन कर दी द फोर्थ स्टेटमेंट कॉल द फंक्शन गेट एरिया ऑफ द क्लास रेक्टेंगल और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेटमेंट थी उसमें गेट एरिया वाला फंक्शन कॉल हुआ और उसकी वजह से जो एरिया का फार्मूला था वो इम्प्लीमेंट हो गया और उसने लेंथ और ब्रेथ को आपस में ज़रब दे के आपको कोई ना कोई वैल्यू जनरेट करवा दी होगी सो so स्टूडेंट्स ये था आज तक का टॉपिक इसमें हमने फ्रेंड क्लास के बारे में पढ़ा ये थ्योरी से ज़्यादा इम्प्लीमेंट करने वाला टॉपिक है इसको समझने से ज़्यादा इसको प्रैक्टिकली जब आप इम्प्लीमेंट करोगे तब आपको इसकी समझ आएगी अगर स्टूडेंट्स इन चीज़ों की थ्योरी की चीज़ों की आपको समझ नहीं आई तो लास्ट में तौर तो पर इसे प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखिएगा होपफुली आपको टॉपिक क्लियर हो जाएगा थैंक यू वेरी मच अल्लाह ताला आप सबका हामीनासर आज कल रोज़े चल रहे हैं तो उसी मुनासबत से ज़्यादा से ज़्यादा इबादत किया करें ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला और उसके बंदों के हकूक़ को पूरा किया करें और सबसे स्पेशली ये कि आप अपनी दुआओं में मुझे भी ज़रूर याद रखिएगा थैंक यू वेरी मच अल्लाह हाफिज़